लूज नेल आर्ट कैसे कर सकते हैं उसका ट्यूटोरियल लेके आई हूँ मैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाया है कि लूज नेल आर्ट कैसे करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ब्रश से भी कर सकते हैं। तो मैंने आज दो ब्रश यूज़ करके मैंने आर्टवर्क किया है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने दो ब्रश से कैसे किया। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माई चैनल। माई चैनल नेम इज़ मित्तल भालाड़ा। और मेरी चैनल पे अभी नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना। ओके, और ब्रश का वीडियो भी देख लेना। ये दो ब्रश मैंने यूज़ किए हैं, डोटिंग टूल वाला और एक फ्लैट ब्रश यूज़ किया है। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में है ब्रश का वीडियो, वो देख लेना और लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर कर देना। ओके, इन दो ब्रश से आज हम आर्ट वर्क करेंगे, लूज नेल आर्ट। और छोटा ब्रश भी यूज़ करेंगे हम, ऐसा नहीं है। और ये कार्डबोर्ड शीट पे मैं आपको पहले रफली दिखा देती हूँ कि कैसे हम लूज नेल आर्ट करते हैं। ओके, छोटी बड़ी आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो लूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूज दिखाई है। ये मैंने लॉन्ग ब्रश से किया हुआ है। अब मैं सेकंड करती हूँ, ये भी लॉन्ग ब्रश से ही करूँगी पर फ्लावर टाइप करूँगी। ओके, लॉन्ग ब्रश से ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी मैं कार्डबोर्ड शीट पे कर रही हूँ, उसके बाद मैं नेल टिप पे करके दिखाऊंगी। ओके, ब्रशेस कहाँ से कहाँ जाते हैं वो भी देख लीजिए, क्योंकि वो दिक्कत आती है कि ब्रश ज़्यादातर घूमते नहीं है सबके। और मैं ब्लैक पेंटिंग जेल से ही कर रही हूँ। और मेरी चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। और आपको भी कौन सी लूज अच्छी लगती है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। डोटिंग टूल से भी होती है। इसमें हम कलर भी फिलअप कर सकते हैं लीव्स में, बड़ी लीव्स में। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कलर फिलअप ना कर सकें, रंग बिरंगी कलर भी फिलअप करके हम रेम्बोज जैसा क्रिएट कर सकते हैं।
तो हम अब प्रेस ऑन नेल की टिप पे करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट लीव्स थे तो आप ऐसे नेल्स में भी बना सकते हो। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रेस ऑन नेल की टिप को बफ कर दिया, उसके बाद जेल पॉलिश लगा दी। 60 सेकंड क्योर करने के बाद हम येलो कलर की रेंडमली एक टिक मार्क कर देंगे, यानी कि जो आपको रेंडमली जो अच्छा लगे वैसे कर दीजिए। उसके ऊपर हम लीव्स आर्ट करेंगे। और कार्डबोर्ड शीट पे मैंने ऐसे ही कर दिया था क्योंकि आपको दिखाने के लिए, और उसमें इरेजर के बिना ही मैंने किया है, यानी कि हम प्रेस ऑन नेल में यहाँ पे कुछ गलती होती है तो इरेज कर सकते हैं, पर कार्डबोर्ड शीट पे कुछ गलती होती है तो इरेज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया था। और मेरी चैनल पे भी लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइबर्स भी ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं नेल के बारे में ऑलवेज वीडियो लेके आती हूँ। और आपको इनमें से कौन सा नेल आर्ट अच्छा लगा और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके ऊपर मैं मैट कोट करती हूँ, मुझे मैट कोट ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने मैट कोट कर दिया है। आप टॉप कोट भी कर सकते हैं। जेल पॉलिश का कलर लेती हूँ, उसके बाद 60 सेकंड क्योर करने के बाद इसमें भी रेंडमली फ्रेंच नेल आर्ट की तरह मैंने कर दिया है। किसको फ्रेंच नेल आर्ट पसंद है आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं फ्रेंच नेल आर्ट के लिए ट्यूटोरियल लेके आने वाली हूँ। बट ज़्यादा कमेंट होगी तो मैं जल्दी लेके आऊँगी डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंच नेल आर्ट के लिए। ओके, हम डॉटिंग टूल से भी लीव्स कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाती हूँ। इसमें पहले डॉट रख के उसके बाद पतला सा ब्रश लेके आपको नीचे की तरफ और खींचना है, और ऐसे डॉट रख के हुए सबको खींच के लेके जाओ नीचे की तरफ। सेम अपोजिट साइड भी ऐसा ही करना है। फिर मैट कोट करके क्योर कर दो 60 सेकंड। नाउ रेडी।
मैं रेंडमली लूज कर रही हूँ, उसके बाद अंदर उसको फिलअप कर दूंगी कलरफुल, यानी कि रेनबो स्टाइल में। आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जेल पॉलिश लेके आपको लीव्स बनानी होती है, और लीव्स बनाने के बाद उसको 60 सेकंड क्योर कर देना, क्योंकि आप उसको बॉर्डर दोगे ना तो फिर चिपके ना, मिक्स ना हो। और आपके पास कम जेल पॉलिश हो ना तो हम मिक्स कैसे करते हैं ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में देखना चाहते हो, ओके? तो मैं उसके लिए वीडियो लेके आऊंगी। और मेरी चैनल पे अभी नए हो तो सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना। और आपको कौन सी आर्टवर्क अच्छी लगी आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। आपको कौन सा आर्टवर्क ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप भी आर्टवर्क करना, ओके? थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर।